तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सब्जियों से भरपूर और टेस्टी मज़ेदार वेज मसाला पास्ता। ये देखिए, ये घर में सभी को बहुत पसंद आता है। तो फिर चलिए वेज मसाला पास्ता की मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज मसाला पास्ता, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आइए देखते हैं वेज मसाला पास्ता बनाने में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। वेज मसाला पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी पास्ता लिया है, ये देखिए। और यहाँ पर मैंने लिया है एक चम्मच नमक। नमक की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च, आधा छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है, और यह है पास्ता मसाला, दो चम्मच ग्रीन चिली सॉस और दो चम्मच टमाटर सॉस। और यहाँ पर मैंने लिया है एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, दो शिमला मिर्च ली है मोटे टुकड़ों में कटी हुई, ये देखिए। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी ली है बारीक कटी हुई, एक कटोरी मटर लिए हैं, लहसुन और अदरक लिया है बारीक टुकड़ों में कटा हुआ। तो आइए वेज मसाला पास्ता की मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। वेज मसाला पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है, और अब इसमें डाल देते हैं लगभग 2 से 3 गिलास पानी, और अब इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तो पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, ये देखिए। और अब इसमें ऐड कर देते हैं आधा छोटी चम्मच नमक, मिक्स कर देंगे इसे। और ये एक छोटा चम्मच ऑयल। अब इसमें ऐड करेंगे पास्ता, और इसे लगभग 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल होने देंगे। तो यहाँ पर पास्ता अच्छे से बॉईल हो चुका है, ये देखिए। तो अब हम पास्ता को अलग निकाल लेंगे, और ये देखिए पास्ता को मैंने अलग निकाल लिया है। और अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा ठंडा पानी, जिससे कि ये ओवरकुक नहीं होगा। और ये पास्ता बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई में एक चम्मच ऑयल गरम कर लिया है, एक बड़ा चम्मच। अब इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक, और इसे लगभग 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो ये लहसुन और अदरक अच्छे से भून चुका है, ये देखिए। और अब इसमें ऐड कर देते हैं प्याज, और इसे भी भून लेते हैं लगभग 1 मिनट के लिए। थोड़ा सा चला लेंगे। और अब इसमें ऐड कर देते हैं शिमला मिर्च, टमाटर, और ये मटर। सब्जियां आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और अब इसमें ऐड करेंगे पत्ता गोभी। सभी सब्जियों को मिला लेंगे अच्छे से, और इसे भून लेंगे लगभग 2 मिनट के लिए। हमें सब्जियों को हल्का क्रंची ही रखना है। तो ये देखिए, सब्जियों को भूनते हुए मुझे लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए। और अब इसमें ऐड करेंगे मसाले। सबसे पहले नमक, हल्दी का पाउडर, और ये काली मिर्च का पाउडर, और ये लाल मिर्च। अब इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली सॉस, और ये टमाटो सॉस। मिला लेंगे सभी चीज़ों को अच्छे से सब्जियों में।
और अब इसे लगभग 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए सब्जियों को मैंने पका लिया है और अब इसमें ऐड कर देते हैं बॉईल किया हुआ पास्ता। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से सब्जियों और मसालों में। तो देखिए पास्ता को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें ऐड कर देते हैं पास्ता मसाला और ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और ये वेज मसाला पास्ता बनकर बिल्कुल तैयार है, ये देखिए। और अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। और ये लीजिए, टेस्टी और मज़ेदार वेज मसाला पास्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए और मेरी इस रेसिपी को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।